गुड आफ्टरनून क्लास। आज आपके जो डाउट्स थे कुछ पॉइंट्स को लेके वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपका सेक्शन नंबर फर्स्ट फिनिश हो चुका है तो हम सेक्शन सेकंड सेशन से शुरू करेंगे। तो जो आपके सेक्शन वन में कुछ टर्म्स यूज हुई थी, कुछ रिजल्ट्स थ्योरम्स यूज हुए थे, आइए देखते हैं उनको। लिपलिट्स कंडीशन का हमारे पास एक रिजल्ट में यूज हुआ था स्टार्टिंग में थ्योरम में, जो कि आपको नहीं समझ आ रही थी। या वैसे आप एमएससी वन में जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आ चुके हो ऑर्डिनरी में। देखिए लिपलिट्स कंडीशन क्या कहती है। सपोज एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड इन अ डोमेन डी ऑफ टी एक्स प्लेन। टी एक्स प्लेन है, जैसे हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है उसी तरीके से टी एक्स प्लेन है, ठीक है। तो आपके पास टी एक्स प्लेन जैसे एक्स वाई प्लेन होता है उसी तरीके से टी एक्स प्लेन है। वी से दैट एफ सेटिस्फाई लिपलिट्स कंडीशन। लिपलिट्स कंडीशन कोई फंक्शन है कब सेटिस्फाई करेगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के विद रिस्पेक्ट में। इफ देयर एग्जिस्ट कॉन्स्टेंट केस ग्रेटर देन जीरो सच दैट फॉर एवरी, दो पॉइंट उठाए हमने एक डोमेन से, डोमेन डी से टी एक्स प्लेन में दो पॉइंट हमने यूज किए, ठीक है। आपको पता है कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, एक होता है आपका एब्सिसा, एक होता है ऑर्डिनेट, मिलके क्या बनाता है कोऑर्डिनेट। यहाँ पर हम अगर एक्स वाई प्लेन की बात करें तो एक्स को एक्स एक्सिस पे लेते थे, वाई को वाई एक्सिस पे लेते थे, तो यहाँ एक्स की वैल्यू आती थी, यहाँ वाई की, मिलके ये कोऑर्डिनेट बना लेते थे। अब यहाँ देखिए सपोज एफ फंक्शन है डोमेन पे डिफाइंड है टी एक्स प्लेन में, हम कब कहेंगे एफ लिपलिट्स कंडीशन सेटिस्फाई करता है, अगर हमारे पास एक कॉन्स्टेंट पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एग्जिस्ट करे सच दैट डोमेन से दो पॉइंट लिए हैं टी कोमा एक्स वन एंड टी कोमा एक्स टू, हमने डोमेन से दो पॉइंट लिए हैं। अब उस पर कंडीशन लगाते हैं मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ टी कोमा एक्स वन माइनस ऑफ एफ ऑफ टी कोमा एक्स टू मॉडुलस क्लोज इज लेस देन इक्वल टू के मॉडुलस ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू। ये आपके पास जहां पर के एक कॉन्स्टेंट था जिसे हम क्या कहते हैं लिपलिट्स कॉन्स्टेंट, याद रखना। एंड इट इज डिफाइंड बाय एफ बिलोंग्स टू लिप इन डी। तो बेसिकली क्या है एफ, क्या है हमारे पास, इट्स कब कहलाएगा कि लिपलिट्स कंडीशन सेटिस्फाई करते, तो ये आपके पास लिपलिट्स कंडीशन है कि जो दो डोमेन से पॉइंट लिए उनका डिफरेंस मॉडुलस में लेस देन इक्वल टू होगा किसके, जो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स वन एक्स टू उनके डिफरेंस के मॉडुलस के होगा। एंड इट इज डिफाइंड बाय एफ बिलोंग्स टू लिपलिट्स इन डोमेन इफ एफ बिलोंग टू सी इन डी देन एफ बिलोंग्स टू। देखिए बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके पास एफ डी से बिलोंग कर रहा है, लिपलिट्स कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो और ऑल्सो आपके पास एफ बिलोंग्स टू सी, सी यहाँ पर इन डी, देन एफ बिलोंग्स टू सी कॉमा लिपलिट्स इन डी। तो हमारे पास क्या डिस्कस कर रहे थे, जहां पर के क्या है, ये आपको जो फंक्शन एफ है इज अ फंक्शन, सपोज एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड इन डोमेन डी, टी एक्स प्लेन ले रहे हैं, हमने डोमेन से दो पॉइंट्स लिए टी कोमा एक्स वन टी कोमा एक्स टू। अब हमारे पास क्या कहते हैं कि ये कंडीशन है लिपलिट्स कंडीशन, जहां पर के लिपलिट्स कॉन्स्टेंट है, और यानी कि एफ डोमेन में लिपलिट्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ इज ऑल्सो कंटिन्यूस, देन एफ बिलोंग्स टू सी कोमा लिपलिट्स इन डोमेन। पिकार्ड लैंडलॉफ थ्योरम क्या कहती है, इसका जस्ट आपको रिजल्ट याद रखना है स्टेटमेंट, लेट एफ बिलोंग टू, अब एफ बिलोंग कर रहा है यानी कि लिपलिट्स कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, कंटिन्यूस भी है डोमेन डी में, ठीक है। देन द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन फाई के, जो आप सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन लगाते हो फाई के, एग्जिस्ट ऑन मॉडुलस टी माइनस जेड एंड लेस देन इक्वल टू एफ अल्फा एज कंटिन्यूस फंक्शन एंड कन्वर्जिस यूनिफॉर्मली इन दिस इंटरवल टू यूनिक सोल्यूशन फाई ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ टी कोमैक सच दैट एक्स ऑफ दिस इज टाउ, एक्स ऑफ टाउ इज इक्वल टू ज़ा। जैसे एक स्टेटमेंट लर्न करनी है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है कंटिन्यूस भी है लिपलिट्स कंडीशन को सेटिस्फाई भी करता है, तो जो पिकार्ड लैंडलॉफ थ्योरम कहती है कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन फाई के एग्जिस्ट करेगी इस इंटरवल पे एज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और इस इंटरवल पे वो कन्वर्ज भी करेगी, और किसको कन्वर्ज करेगी टू द यूनिक सोल्यूशन फाई ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एक्स सच दैट एक्स ऑफ टाउ इज इक्वल टू जेड। उसके बाद आप लोगों ने कुछ लिमिट पॉइंट के बारे में पूछा था, उससे पहले आप एक क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये मेरे को करके भेजेंगे सैटरडे को, ठीक है। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, इसकी डोमेन एक्स लेस देन इक्वल टू ए वाई लेस देन इक्वल टू बी, आपको शो करना है फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है लिपलिट्स कंडीशन, यानी लिपलिट्स कंडीशन आपने ये सेटिस्फाई करानी है, डी ऑलरेडी आपको गिवन कर दी। अब हम देखते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, हमने लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस टू डिस्कस कर लिया था, बट सेट रह गया था लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस एंड लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। लेट आपने देखो
कोई एक ये आर क्या है, रियल नंबर, तो आपने कोई भी पॉइंट ले लिया, रेंडमली कोई भी ले लिया रियल नंबर से, एंड एस कोई सबसेट है रियल नंबर का, एस क्या है रियल नंबर का सबसेट। अब जरूरी नहीं है कि ये ए बिलोंग करेगा एस से, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। आपने कोई भी रेंडमली एक रियल नंबर ले लिया ए और एक उसका सबसेट ले लिया एस, तो ए को लिमिट पॉइंट कब कहेंगे एस का, जब ए को एस का लिमिट पॉइंट कब कहेंगे, जब ए की हर एक नेबरहुड, ए की हर एक नेबरहुड एस के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन कर रही हो, हर एक नेबरहुड ए की, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक सीक्वेंस लेते हैं, बहुत ही कॉमन सी सीक्वेंस है, 1/n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, हमने ये सीक्वेंस ली। अब एक सीक्वेंस में n नेचुरल नंबर यानी n की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो सपोज हमने इंटरवल बनाया, यहाँ हमारे पास आ गया 0, यहाँ आ गया 1, ठीक है। 1 कब आएगा, जब नेचुरल नंबर n को 1 पुट करेंगे 1/1, 1, जब नेचुरल नंबर n को हम 2 पुट करेंगे तो 1/2 यहाँ पर कहीं आएगा हाफ, ठीक है। 1/3 पुट करेंगे, 1/3 कहाँ आएगा, इधर। 4 पुट करेंगे, बेसिकली क्या कर रहे हैं, 100 पुट करेंगे, 1/100 इधर आएगा, 1000, 1 lakh एंड सोन, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जीरो की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, 1 से डायरेक्ट 1/2 पे जंप हुआ और फिर हमारे पास जीरो की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से 1 से हम जीरो की तरफ जा रहे हैं, सो इट इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, 1/n इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। नाउ इसका लिमिट पॉइंट देखते हैं, हर एक पॉइंट को चेक करना है। अब 1 को चेक करते हैं, 1 की नेबरहुड बनाते हैं, छोटी से छोटी बना लो नेबरहुड, लेकिन क्या यहाँ पर ये जो 1 की नेबरहुड बनाएंगे इतना सही है, तो चलो आई नहीं रिसेट में, इधर तो भूल ही जाओ राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, क्या लेफ्ट हैंड साइड में जो 1 की नेबरहुड है इस सीक्वेंस का कोई पॉइंट कंटेन करे, कोई भी नहीं आ रहा, क्योंकि जब n को 1 पुट किया तो 1 के बाद 2 पुट किया तो 1/2, तो सीधा 1/2 आ रहा है 1 के बाद, तो यानी कि एक था, कोई भी नहीं कर रही है पॉइंट यहाँ पर पुट, ठीक है। तो 1 तो हुआ नहीं इसका लिमिट पॉइंट, ऐसे 1/2 की नेबरहुड में कोई पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि 1/2 के बाद तो 1/3 है, जो कि बहुत दूर है, नेबरहुड में तो नहीं कहलाएगा। 1/2, 1/3, 1/4, 1/100, 1/1000, कोई भी अगर आप छोटी से छोटी भी नेबरहुड ले लोगे, किसी की भी नेबरहुड, 1/lakh ले लो, 1/crore ले लो, किसी की भी नेबरहुड इनफाइनाइट पॉइंट नहीं कंटेन कर। अब देखो जीरो की बात करते हैं, हर एक पॉइंट को चेक करना, जीरो इससे बिलोंग करेगा क्योंकि अप्रोच करेगा जब इनफिनिटी को, ठीक है, तो जीरो बिलोंग करेगा। तो जीरो की नेबरहुड देखो, छोटी से छोटी जीरो की नेबरहुड ले लो या जो भी ले लो, ठीक है। सपोज करो आपके पास 1/1000000, ठीक है, एंड 1/1000001, ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में। अब ये देखो जरा कि ये जीरो की छोटी सी नेबरहुड लोगे, लेकिन वो बहुत सारे पॉइंट कंटेन कर रही होगी इसके, क्योंकि जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा, बहुत वैल्यूज, अगर आप मिलियन पुट कर रहे हो, बिलियन, मिलियन, तो ये कहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं, जीरो पे, यानी कि जीरो के पास बहुत सारी वैल्यू क्राउड होगा, बहुत सारा, बहुत सारी वैल्यूज होगी दोनों तरफ, तो जीरो के पास बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट मिल गए, जो कि हमारी कंडीशन थी इनफाइनाइट पॉइंट, ठीक है। तो इनफाइनाइट पॉइंट मिल गए जीरो के पास, तो यानी कि जीरो क्या हो गया, जीरो इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट, ये जो हमने ए सेट डिनोट किया है, इसका लिमिट पॉइंट हो गया सेट ए, और कोई नहीं हुआ, हमने सारे को देखा कि क्योंकि कोई इनफाइनाइट पॉइंट, इनफाइनाइट एक भी नहीं कर रहा था, 1 तो एक भी नहीं कर, 1/2 की नेबरहुड है, ठीक है, 1/2 है, ठीक है, इसके अलावा, या फिर आपको अदर देन इटसेल्फ बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें इनफाइनाइट पॉइंट चाहिए, वो तभी ट्रू होगा जब नेबरहुड में होंगे उस जो है सीक्वेंस के पॉइंट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द लिमिट पॉइंट। तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि एक आपने ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना, दी बेसिस ऑफ लिपलिट्स कंडीशन सैचुरे के लिए, और एक आपने एग्जांपल देना है, गिवन एग्जांपल ऑफ अ सेट विच हैज नो लिमिट पॉइंट, जिसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, एंड गिवन एग्जांपल ऑफ अ सेट Which has at least 2 limit point. At least मतलब कम से कम हो, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम, at least मतलब कम से कम इतने, ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम नहीं चलेगा। तो ये और एक लिपलिट्स कंडीशन, ये तीन क्वेश्चन है जो आपने सैटरडे को भेजने हैं। थैंक यू क्लास।